यूपी के जनपद हापुड़ में विश्व दुग्ध दिवस के शुभ अवसर पर आनंदा डेयरी लिमिटेड के चेयरमैन राधेश्याम दीक्षित ने अपनी पिलखुआ प्लांट में एक नए 100 टन प्रतिदिन क्षमता वाले ऑटोमेटिक दही प्लांट का फीता काट कर उद्घाटन किया। आनंदा डेयरी के चेयरमैन ने बताया कि ऑटोमेटिक प्लांट बिना किसी स्पर्श किए हुए एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों की गुणवत्ता वाले दही का उत्पादन करेगा, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। इस ऑटोमेटिक दही प्लांट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 200 लोगों को रोजगार मिलेगा। आनंदा डेयरी ने महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाने की पहल करते हुए अपने प्लांट में रोजगार देना शुरू कर दिया है। किसान महिलाओं को पशुपालन बढ़ाने का प्रोत्साहन भी मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। आनंदा डेयरी से सीधे तौर पर 3 लाख किसान पहले से जुड़े हैं, जिनकी पेमेंट डिजिटल की जाती है। इसका उद्घाटन में आनंदा डेयरी के सैकड़ों डिस्ट्रीब्यूटरों ने दही प्लांट का भ्रमण किया और गुणवत्ता के बारे में पूरी जानकारी ली। आनंदा डेयरी लोकल फॉर ग्लोबल पर भी काम कर रही है। आनंदा डेयरी की पिलखुआ में स्थित फैक्ट्री से कई उत्पाद विदेशों में भी जाते हैं। आपसे हाशिम अलवी की रिपोर्ट। हमारे देश का जो किसान है उसकी तरक्की में हर व्यक्ति को काम करने की ज़रूरत है और आनंदा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। आज हम 6000 गाँव में काम कर रहे हैं और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उसको हम कैटल लोन दिला रहे हैं, उसकी हम एग्रीकल्चर से इनकम कैसे बढ़ सकती है, डेयरी फार्मिंग से कैसे इनकम बढ़ सकती है, उस पर काम कर रहे हैं। आज हमारी ये उसी पहल के नतीजा है कि हम 100 मेट्रिक टन रोज का दही का प्रोडक्शन का एक्सपेंशन किया है। इससे पहले हम 225 मेट्रिक टन दही बना रहे हैं और पूरे नॉर्थ इंडिया में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 1 लाख रिटेलर पर डेली सर्विस देते हैं। ये 100 मेट्रिक टन होने से डिस्ट्रीब्यूटर को भी अपना रोजगार बढ़ाने का मौका मिलेगा, रिटेलर को अपना रोजगार बढ़ाने का मौका मिलेगा, उसकी इनकम बढ़ेगी। और दूसरा खास क्या होगा कि हमारे क्षेत्र के आसपास, इस फैक्ट्री के आसपास 10-15-20 किलोमीटर की परिधि के किसान के नौजवान व्यक्ति को, और विशेष तौर पर अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है महिलाओं को इस फैक्ट्री के अंदर। महिला की संख्या अभी 10% वर्कर में संख्या है और हमने 3 साल का संकल्प बनाया है कि हम 50% महिला की भागीदारी कर देंगे। तो आज उस हम पूरी योजना के अंतर्गत 100 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 100 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी करेंगे इस 100 मेट्रिक टन दही के प्रोडक्शन एक्सपेंशन से।